से देख सकते हो दोनों लिंक से। यहाँ पे जब लोग देख रहे थे कि sp3 कार्बन का यहाँ पे जो आ रहा था, ये भी कीटो फॉर्म से इनोर फॉर्म में जा रहा था। इसमें अगर पूछा जाए कि टॉटोमेरिक हाइड्रोजन कितना होगा यहाँ पे, इसमें आंसर क्या रहेगा इसका? थ्री। थ्री, सही है। आंसर क्या होगा? थ्री। ये तीन हाइड्रोजन यहाँ का रहेगा। सही है सब लोगों के आंसर। कुछ और एग्जांपल मैं लेता हूँ इसी से रिलेटेड। यहाँ पे इस टाइप का जो भी अगर आता है यहाँ पे, अब देखिए क्वेश्चन ये आ रहा हो सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पे पाई बॉन्ड आ रहा हो, इसमें देखने की ये रेजोनेंस शो करेगा, ये ऑटोमर शो करेगा या नहीं करेगा यहाँ पे। करेगा, सही है बिल्कुल। टॉटोमेरिक हाइड्रोजन कितना होगा वो बताना, वो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। टॉटोमेरिक हाइड्रोजन नहीं, थोड़ा ध्यान से। अब सी डबल बॉन्ड ओ के एडजेसेंट में भी जो कार्बन है वो तो शो करेगा ही करेगा, या फिर इसके साथ कंजुगेशन में भी जो इस पाई बॉन्ड के साथ ये पाई बॉन्ड कंजुगेशन में और इसके एडजेसेंट में भी अगर कोई कार्बन पे हाइड्रोजन आ रहा है sp3 कार्बन पे, ये भी शो करेगा। तो टोटल कितना होगा इसमें? फाइव, थ्री, फोर। अब तो काउंटिंग करना था, इस कार्बन पे कितना हाइड्रोजन? दो हाइड्रोजन इस कार्बन पे और इस कार्बन पे दो हाइड्रोजन, तो टोटल कितना आ जाएगा? फोर। इसको अगर हटा दो यहाँ पे सिंपली, इसमें सिंपली कैसे चेक करना था? दो हाइड्रोजन, ये तो इसके एडजेसेंट में ये तो शो करेगा ही करेगा, या फिर इसके साथ कंजुगेशन में भी जो एडजेंट में आ रहा था यहाँ पे ये भी शो करेगा। तो टोटल क्या आ जाएगा इसके पास? चार। अब दोनों में से इधर से बना लो या फिर इधर से बना लो, कहीं से भी दूसरा फॉर्म बना सकते हैं इसका। एक और एग्जांपल देखते हैं लोग इसमें। सी डबल बॉन्ड ओ, ये देखना कि टॉटोमर शो करेगा या नहीं करेगा। ये करेगा बिल्कुल सही। देखो ये करेगा टॉटोमर शो, क्योंकि इसके एडजेसेंट में तो कोई sp3 कार्बन नहीं है, बट मैंने अभी बताया सी डबल बॉन्ड ओ के ये पाई बॉन्ड इस पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में और इस पाई बॉन्ड के भी एडजेसेंट में कोई sp3 कार्बन अगर आ रहा हो, ये कार्बन कैसे आ रहा है? sp3 आ रहा है यहाँ पे। यहाँ का जो दो हाइड्रोजन होगा ये टॉटोमेरिक हाइड्रोजन हो पाता है यहाँ पे, तो यहाँ से टॉटोमेरिक हाइड्रोजन क्या होगा? दो। अब इसका दूसरा फॉर्म भी बनाएंगे यहाँ पे, दूसरा फॉर्म बनाना इम्पोर्टेंट है इसका। इसका दूसरा फॉर्म कैसे बनाएंगे? तो दूसरा फॉर्म बनाने का तरीका क्या है, मैंने अभी पीछे बताया था। उसमें क्या रहता है यहाँ पे है कि OH- अगर आ रहा है बेसिक मीडियम में, इस H+ को बाहर करेगा वो, और जैसे इस H+ को बाहर करेगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। ये दूसरा फॉर्म बनाने का प्रोसेस मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या रहेगा? नेगेटिव चार्ज, और जैसे ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, ये अब ये नेगेटिव चार्ज इसके साथ कंजुगेशन में, ये जैसे इधर आएगा ये पाई बॉन्ड ओपन होता है यहाँ पे। एक और लिंक स्ट्रक्चर का ड्रॉ कर लो यहाँ पे, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और अब जो ये सी डबल बॉन्ड है ये इसके साथ कंजुगेशन में, ये फाइनली क्या बन जा रहा है यहाँ पे है? एक पाई बॉन्ड यहाँ पे और ये ओ माइनस बन जाएगा ये। अब यही ओ माइनस क्या करेगा? यहाँ पे OH- और H+ दैट मीन्स वाटर बन के बाहर जा रहा था, उसी वाटर से ये H+ को एक्सेप्ट कर लेता है, और O- अपना एक लोन पेयर डोनेट करके अगर H+ को एक्सेप्ट कर लेता है तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे है? OH। तो अभी तक हम लोग क्या बोल रहे थे, वो इनॉल बन रहा था इन जनरल, डबल बॉन्डेड कार्बन पे OH तो इनॉल, और ये क्या बन गया? इनॉल। इन जनरल ये भी इनॉल बोल सकते हैं, बट ये स्पेसिफिक है और इसको स्पेसिफिक हम लोग क्या बोलते हैं? फिनॉल। ये फाइनली फिनॉल बन जा रहा है यहाँ पे, ये भी टॉटोमर शो कर पाता है, ये भी एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल था। और इसका दूसरा फॉर्म क्या बनता है? फिनॉल। हाँ बताओ, कुछ डाउट है? आवाज तो आ रहा है प्रॉपर सबको?
हाँ बताओ, आवाज तो आ रहा है सबको प्रॉपर? आवाज नहीं आ रहा किसी को? आ रहा है सर आवाज। आवाज आ रहा है, चलो ठीक है। फिर कुछ लोग कुछ बोलना चाह रहे थे शायद, मुझे लगा कि आवाज नहीं आ रहा है इसमें, चलो ठीक है। यहाँ पे ये भी टॉटोमर शो करता है, टॉटोमेरिक हेडोन क्या हो जाएगा? टू। एक और एग्जांपल देखें यहाँ पे हम लोग, सी डबल बॉन्ड ओ, इसमें देखने के टॉटोमेरिक टॉटोमर शो करेगा या नहीं करेगा इसमें, ये तो सिंपल सा बताओ। करेगा ये कितना टॉटोमेरिक हेडोन कितना होगा इसमें? टू। सही है बिल्कुल सब लोगों के। अब इसका दूसरा फॉर्म कैसे बनाओगे? दूसरा फॉर्म यहाँ का जो एक एच है, ये पाई बॉन्ड इधर आएगा और ये एच इधर आ जाता है यहाँ पे, तो ये भी क्या बन जाएगा यहाँ पे? फिनॉल। ये कीटो फॉर्म से फिनॉल बन बाय इनॉल बन बाय यहाँ पे। तो सी डबल बॉन्ड ओ के एडजेसेंट में तो देखते ही हैं, साथ में वहां पे क्या देखेंगे? उसके कंजुगेशन में भी कहीं पे अगर कोई एसपी थ्री कार्बन का हाइड्रोजन आ रहा था, वो भी टॉटोमर शो कर पाता है। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना। क्वेश्चन में अगर इस टाइप से पूछो यहाँ पे, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान से देखना है यहाँ पे। C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या आ रहा है इस केस में? C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे टॉटोमेरिक हाइड्रोजन कितना होगा? बस ये काउंट करके बताना है आंसर। क्वेश्चन क्या है? टोटल नंबर ऑफ टॉटोमेरिक हाइड्रोजन, टोटल नंबर ऑफ टॉटोमेरिक हाइड्रोजन। बताओ फोन करके टोटल नंबर ऑफ टॉटोमेरिक हाइड्रोजन कितना रहेगा? इसको सॉल्व कर लिया, देखो पीछे का सारा कुछ क्लियर है, सोच के बताओ इसमें। चलो देवकी का आंसर आ रहा है सलोनी के भी सेवन, और बाकी लोग भी बताओ। अब देखो इसमें क्या आ रहा है आंसर जो आ रहा है इसमें, प्रिया के भी सेवन आ रहे हैं, इसका जो आंसर आता है वो क्या रहेगा? सेवन ही रहेगा। सब लोगों के चार पांच लोगों ने आंसर सही दिया था, बिल्कुल सही है। ये कैसे चेक करेंगे हम लोग यहाँ पे कि सी डबल बॉन्ड ओ के एडजेसेंट में जो एस पी थ्री कार्बन है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन दिखने में लग रहा है कि यहाँ भी हाइड्रोजन है, बट वो ब्रिजेड कार्बन का हाइड्रोजन, वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो इस सी डबल बॉन्ड ओ के रेस्पेक्ट में दो, इस सी डबल बॉन्ड ओ के रेस्पेक्ट में यहाँ पे दो और एक यहाँ पे, और इसके रेस्पेक्ट में भी इसको एक ही काउंट करेंगे, एक यहाँ पे हाइड्रोजन। अब इस सी डबल बॉन्ड ओ के एडजेसेंट में जो कार्बन है, ये जो पाई बॉन्ड है, इसके एडजेसेंट में ये sp3 कार्बन है और यहाँ पे दो हाइड्रोजन, तो टोटल क्या आ जाएगा इसमें? सेवन। तो जो मैं रेड से दिखा रहा हूँ वो क्या रहेगा? टॉटोमेरिक हाइड्रोजन। इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन अगर आता है उसको आप सोच सकते हो यहाँ पे। ये अभी तो हम लोग देख रहे थे कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी था। इसके अलावा भी कुछ टॉटोमेरिज्म होता है, उसको देखना है हम लोगों को। तो नोट कर चुके हो यहाँ तक सब लोग, लो आगे देखते हैं फिर इसमें। नेक्स्ट है इसमें सी एच थ्री, सी एच डबल बाउंड एन एच, सेकेंड है इसमें सी एच थ्री एन डबल बाउंड ओ,
यहाँ पे है नेक्स्ट CH3 C N डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। इस साइन का मतलब क्या, इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है, तो जहां भी टॉटोमर आ रहा है तो इक्विलिब्रियम मेंटेन कर पाता है। C ट्रिपल बॉन्ड N अब यहां पर देखना था, इस केस में जो टॉटोमेरिज्म होगा यहां पर भी C डबल बॉन्ड N आ रहा है इस केस में यहां पे, और कहीं भी मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है हेटेरो एटम के बीच में, ये भी माइनस एम ग्रुप के जैसा है, ये भी माइनस एम ग्रुप, और इसके एडजेसेंट में जो ये sp3 कार्बन है ये टॉटोमर शो कर पाएगा, ये भी N डबल बॉन्ड वो है, इसके एडजेसेंट में ये sp3 कार्बन है और यहाँ का जो हाइड्रोजन होगा वो भी टॉटोमेरिक हाइड्रोजन होगा। सिमिलरली N डबल बॉन्ड वो यहाँ पर भी आ रहा है, ये भी टॉटोमेरिक हाइड्रोजन होगा, यहाँ का कार्बन का हाइड्रोजन, और इसके रेस्पेक्ट में ये भी sp3 कार्बन का जो हाइड्रोजन ये भी टॉटोमर होगा, ये भी माइनस एम ग्रुप, NO2 हम लोग जानते हैं माइनस एम ग्रुप होता है, NO भी माइनस एम ग्रुप, और यहाँ भी C डबल बॉन्ड N भी माइनस एम ग्रुप, तो माइनस एम ग्रुप भी है और इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन भी है, ये सब कैसा हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन। दैट मीन इसका दूसरा फॉर्म भी पॉसिबल है, इसका दूसरा फॉर्म कैसे बनाएंगे यहाँ पे हम लोग, तो दूसरा फॉर्म बनाने का प्रोसेस मैंने बता रखा है पीछे। बेसिक मीडियम में सोचोगे तो बेसिक मीडियम में अगर सोचोगे इसी को CHNH देखोगे, थोड़ा सा पहले देखना इसको यहाँ पे, ये जो OH माइनस होगा वो क्या करेगा, जो एसिडिक हाइड्रोजन है इस H प्लस को बाहर कर देता है वहां पे, और जैसे H प्लस को बाहर करेगा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, अब वो नेगेटिव चार्ज किसके साथ कंजुगेशन में, डबल बॉन्ड के साथ, जैसे लोन पेयर विथ नेगेटिव चार्ज इधर आता है ये पाई बॉन्ड ओपन हो जाएगा यहाँ पे, ये क्या बन जाएगा इसमें CH2 डबल बॉन्ड CHNH माइनस, पाई बॉन्ड ओपन होगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। अब क्या होता है इस केस में, यहाँ पे यही जो OH माइनस और H वाटर बन के बाहर गया था उसी वाटर से ये H प्लस को एक्सेप्ट कर लेगा और ये क्या बन जाता है CH2 डबल बॉन्ड CHNH2, एक हाइड्रोजन पहले से था एक H और आ जाता NH2। तो यहाँ पर भी सिंपली करके आ रहे हम लोग, इस कार्बन का जो एक H था वो इस नाइट्रोजन के पास आ गया और इसका पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया जो पहले कर रहे थे हम लोग, इसका दूसरा फॉर्म क्या रहेगा CH2 CHNH2, और इसका साइड में मैंने मिक्सिंग बता रखा है यहाँ पे कैसे हो रहा है। सेकेंड वाले का भी दूसरा फॉर्म क्या बनेगा, इसका एक H ऑक्सीजन के पास आएगा CH2 डबल बॉन्ड NOH, इसका दूसरा फॉर्म क्या बनेगा CH2 डबल बॉन्ड NOH कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, इसका नेक्स्ट फॉर्म क्या रहेगा यहाँ पे है CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड NH, तो सबका सिमिलर मिक्सिम रहेगा बाकी तीनों का भी। अब देखने के कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म है, सबका अलग अलग नेम है, तो फर्स्ट वाले कंपाउंड का जो नेम रहता है यहाँ पे इसको बोलते हैं इमाइन, IMINE इमाइन IMINE। सेकेंड वाले का जो नेम आ जाता है इसको बोलते हैं इनामाइन, एक कंपाउंड का नेम है जिसको याद रखना रहेगा। सेकेंड वाले जो आ रहा है यहाँ पे एन डबल बॉन्ड ओ, इसको बोलते हैं नाइट्रोसो, और नाइट्रोसेस जो बनता है इसको बोलते हैं ऑक्साइन। इसके बाद जो ये कंपाउंड आता है इसको बोलते हैं लोग यहाँ पे नाइट्रो एंड NO2 ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप है, और इससे जो दूसरा फॉर्म बनता है इसको बोलते हैं लोग AC नाइट्रो, AC नाइट्रो, और ये क्या है साइनाइड, और साइनाइड से जो दूसरा फॉर्म बनता है उसको बोलते हैं इनीमाइन। नेम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक इसका याद रख लोगे सेकंड वाले का, बाकी बस नोट कर लोगे इस टाइप से, ये इनीमाइन है और ऊपर क्या था इनामाइन।
तो ये हम लोग देख रहे थे यहाँ पे कि कौन कौन सा कंपाउंड टॉटोमेरिजन शो कर सकता है यहाँ पे। अब इसके अलावा कुछ और एग्जांपल मिस्केनियस टाइप का देखें, अगर हम लोग यहाँ पे है एक एग्जांपल अगर इस टाइप का आ रहा हो, हाँ बताओ कोई डाउट है इसमें यहाँ तक में? आवाज नहीं आ रहा है, आवाज तो आ रहा है सबको या नहीं आ रहा है? आ रहा है। देखो जिनको नहीं आ रहा है तो फिर तो देखते हैं हम लोग आगे। नहीं आ रहा जिनको आवाज, बाकी लोगों को अगर आ रहा है तो देखते हैं लाओगे। इस केस में यहाँ पे एक ऐसा अगर क्वेश्चन आ रहा कहीं पे एन डबल बॉन्ड ओ और एक ओएच आ रहा है, इसमें पूछा जाए कि टॉटोमेरिजम शो करेगा या नहीं करेगा, तो कंडीशन क्या था टॉटोमेरिजम शो करने का कि एक एन डबल बॉन्ड ओ हो, दैट मीन्स एक माइनस एन ग्रुप हो जो कि यहाँ पे देख भी रहे थे, और एक एसिडिक हाइड्रोजन हो। मैंने कंडीशन में क्या लिखा था, एसिडिक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन जो एच से कनेक्टेड है, जो ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, वो कैसा एसिडिक हाइड्रोजन है ये, और जब ये एसिडिक हाइड्रोजन आ रहा है इस केस में यहाँ पे है, तो ये टॉटोमेरिजम शो कर पाता है इसके साथ। और ये टॉटोमेरिजम कैसे शो करता है, जब इसका एक एच प्लस को बाहर करते हैं यहाँ पे हम लोग एसिडिक हाइड्रोजन को, ये ओ माइनस, और ये ओ माइनस इसके साथ लीनियर कंजुगेशन में आ रहा है यहाँ पे। इसका जब दूसरा फॉर्म बनाएंगे यहाँ पे हम लोग, ये कुछ अच्छे क्वेश्चन के लिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड ओ एच प्लस तो बाहर चलाया गया था ये, और यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड एन ओ माइनस, एक मिनट, चलो देखते हैं यहाँ पे हम लोग। इस केस में जो रहता है यहाँ पे है कि यहाँ का जो एसिडिक हाइड्रोजन है ये टॉटोमर्स कर पाता है इस एन डबल बॉन्ड ओ के साथ, और ये अब इसके साथ ये डबल बॉन्ड के साथ टॉटोमर्स को करता है, तो इस तरीके से हम लोग टॉटोमर्स इसका दूसरा फॉर्म बनाते हैं। अब ये ओ माइनस क्या करेगा, ये जो एच था ये एच अब यहाँ पे आ जाएगा, और जैसे एच यहाँ पे आता है ये ओ एच बन जाएगा, ये इसका दूसरा फॉर्म आ जाता है इस केस में यहाँ पे। इस तरीके से हम लोग टॉटोमेरिजम दिखा पाते हैं। तो ये तो हम लोग सिंपल सा केस चेक कर रहे थे कहाँ कहाँ टॉटोमेरिजम होगा कहाँ नहीं होगा। मैक्सिमम क्वेश्चन इसी का आता है, बट इसके अलावा भी सेकेंड पार्ट रहता है, उसको भी देखते हैं इसमें हम लोग यहाँ पे। अब यहाँ पे देखना है कि कीटो इनॉल टॉटोमेरिजम हम लोग पढ़ रहे थे कि दोनों फॉर्म अगर इक्विलिब्रियम पे है, तो इक्विलिब्रियम पे जो दो फॉर्म आ रहा है तो दोनों में से ज्यादा परसेंटेज में कौन रहेगा इक्विलिब्रियम पे, कीटो फॉर्म रहेगा या इनॉल फॉर्म रहेगा, वो देखना नेक्स्ट पार्ट रहेगा हम लोगों का। तो नेक्स्ट जो रहेगा इसमें उसको बोलते हम लोग परसेंटेज ऑफ इनॉल कॉन्टेंट। सर पहला पेज लो ना एक बार, कर लो नोट कर लो इसको। थैंक यू सर। तो ठीक है आगे देखते हैं फिर। सेकंड टॉपिक क्या रहता है इसमें, तो पहला अभी तक जो हम लोग कर रहे थे स्टार्टिंग लेक्चर से कि कौन सा कंपाउंड टॉटोमेरिजम शो करेगा कौन सा शो नहीं करेगा, बस वही चेक कर रहे थे। सेकेंड पार्ट है इसमें परसेंटेज ऑफ इनॉल कॉन्टेंट, परसेंटेज ऑफ
इन ऑल कॉन्टेंट, या इसी को हम एक और नाम से बोलते हैं स्टेबिलिटी एक्ट्रेस ऑफ इन ऑल, स्टेबिलिटी फैक्टर्स ऑफ इन ऑल। जिसका इक्विलिब्रियम पे जिसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा जिस फॉर्म का, चाहे कीटो या इनॉल हो, उसी का परसेंटेज क्या होगा, ज्यादा रहेगा। तो क्वेश्चन पूछा जाता है परसेंटेज इनॉल कॉन्टेंट, जिस भी इनॉल फॉर्म का अगर स्टेबिलिटी ज्यादा होगा तो उसका परसेंटेज ज्यादा होगा। स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं हम लोग यहाँ पे, स्टेबिलिटी चेक करने के लिए सबसे पहले क्या चेक करेंगे हम लोग, एरोमेटिक। कोई भी अगर इनॉल फॉर्म एरोमेटिक बन रहा है तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल। फिर इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट है रेजोनेंस, और लास्ट में फिर देखेंगे हम लोग हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन इस तरीके से देखते हैं कि कोई भी इनॉल फॉर्म एरोमेटिक बना तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल, और उसी का परसेंटेज ऑफ इनॉल कंटेंट क्या होगा, उसी का सबसे ज्यादा रहेगा। अब इसका अलग अलग केस भी रहता है यहाँ पे, तो केस वन की बात करें इसमें, यहाँ पे हम लोग फर्स्ट है इसमें अब मोनोकार्बोनिल कंपाउंड अब मोनोकार्बोनिल कंपाउंड है अब मोनोकार्बोनिल कंपाउंड है लेस देन 1% इन ऑल कॉन्टेंट, लेस देन 1% इन ऑल कॉन्टेंट। अब उसमें देखना कि कार्बोनिल कंपाउंड क्या होता है, एल्डिहाइड और कीटोन को ही कंबाइंड रूप से क्या बोलते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड। एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, एल्डिहाइड या कीटोन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड इन जनरल, ये याद रखना था। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक ही सी डबल बॉन्ड ओ हो, इसका ये कीटो फॉर्म है, अब ये देखना कि टॉटोमेरियम शो करेगा या नहीं करेगा, तो ये टॉटोमेरियम शो कर पाएगा, और जब टॉटोमेरियम शो करेगा तो इसका दूसरा फॉर्म कैसे बनाते हैं, इनॉल फॉर्म। इस तरीके से इसका इनॉल फॉर्म बनता है कि कीटो फॉर्म और ये इनॉल फॉर्म। अब यहाँ पे देखना कि जो इनॉल फॉर्म का परसेंटेज होता है वो 1% से भी कम होता है, और 99% से ज़्यादा कीटो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है इक्विलिब्रियम में। और इसका रीजन ये है कि जो बॉन्ड एनर्जी होता है, बी का मतलब क्या है, बॉन्ड एनर्जी, वो सी डबल बॉन्ड ओ का ज्यादा होता है कार्बन कार्बन बॉन्ड से। ग्रेटर साइन का मतलब क्या है कि सी डबल बॉन्ड ओ का बॉन्ड एनर्जी, इसका स्टेबिलिटी ज्यादा होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से, जिसके चलते 99% इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है कीटो फॉर्म में। इनॉल का जो परसेंटेज होगा वो 1% से भी कम रहता है, और इसका ये रीजन है क्योंकि ये सी डबल बॉन्ड ओ का बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, दैट मीन्स वो ज्यादा परसेंटेज में रहता है। इसको नोट करो के सेकेंड, एक केस और देख लेते हैं इसका। चलो नोट करो तुम लोग, मैं यहीं पे के सेकंड को लिख लेता हूँ। के सेकंड की बात करते हैं तो साइक्लिक अल्फा डाइकीटोन है मोर देन 70% इन ऑल कॉन्टेंट। अब इसका रीजन देखना है कि साइक्लिक अल्फा डाइकीटोन,
साइक्लिक अल्फा डाइकीटोन का मतलब क्या यहाँ पे है कि साइक्लिक तो हो और दो कीटोन हो, डाइकीटोन क्या दो कीटोन ग्रुप हो और एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन, इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन एक दूसरे के एडजेसेंट पोजीशन पे आ रहा हो। अब देखने कि ये टॉटोमर्स तो शो कर पाएगा, ये भी sp3 कार्बन, ये भी sp3 कार्बन। अब इसका जब दूसरा फॉर्म बनाते हैं हम लोग यहाँ पे, दूसरा फॉर्म क्या होता है इस केस में यहाँ पे, एक सी डबल बॉन्ड O को एजिटिज रहने दो यहाँ पे, इसका जब हम इनऑर्ड फॉर्म बनाएंगे यहाँ पे ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये एक एच इधर आ जाएगा यहाँ पे इस तरीके से ओ एच। अब यहाँ पे होता क्या इस केस में, ये पाई बॉन्ड इस पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में आ गया तो रेजोनेंस भी हो रहा है और साथ साथ यहाँ पे इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग भी हो रहा है, फाइव मेंबर का रिंग बन रहा है यहाँ पे। तो जब कीटो फॉर्म से इनॉल फॉर्म बना रहा है यहाँ पे तो इनॉल फॉर्म में इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग भी आ रहा है और साथ में रेजोनेंस भी हो रहा है यहाँ पे, जिसके चलते इनॉल फॉर्म का स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाता है और 70% से ज्यादा अब ये इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और 30% से भी कम ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा यहाँ पे। ये जो मैंने परसेंटेज लिखा है स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग, क्योंकि अब ये इंट्रा मॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग भी रहता है साथ साथ रेजोनेंस भी रहता है इनॉल फॉर्म में, जिसके चलते ये स्टेबल फॉर्म रह पाता है यहाँ पे, और जिसका स्टेबिलिटी ज्यादा है तो उसी का परसेंटेज ज्यादा होता है इक्विलिब्रियम पे। इस टाइप से सोचना यहाँ पे। एक केस और मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, असाइक्लिक अल्फा डाइकीटोन, ये साइक्लिक आ रहा था अल्फा डाइकीटोन। नेक्स्ट केस है इसमें केस थर्ड, असाइक्लिक अल्फा डाइकीटोन, नेक्स्ट केस था इसमें केस, एक मिनट कर ले, नोट कर लिए इसको। यस सर। चलो ठीक है, देखते हैं फिर आगे। हम लोग एक लास्ट केस है इसमें, केस और है हम लोग, ये बस एक केस आज देखते हैं इसमें यहाँ पे, केस थर्ड जो कि सेकंड केस के जैसा ही है, असाइक्लिक अल्फा डाइकीटोन, असाइक्लिक अल्फा डाइकीटोन हैव अप्रोक्सीमेटली 1% इनॉल कॉन्टेंट, अप्रोक्सीमेटली 1% इनॉल कॉन्टेंट। असाइक्लिक अल्फा डाइकीटोन का मतलब क्या है, ये सी डबल बॉन्ड ओ और ये सी डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पर भी sp3 कार्बन है, यहाँ भी तीन हाइड्रोजन, यहाँ भी तीन हाइड्रोजन, टॉटोमर्स को कर पाएगा और एक दूसरे के रिस्पेक्ट में अल्फा पोजिशन पे आ रहा है, दैट मीन्स अल्फा डाइकीटोन दो कीटोन ग्रुप है और असाइक्लिक है। अब यहाँ पे होता क्या है, इस केस में जो दोनों सी डबल बॉन्ड ओ है, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, यहाँ पे जो रिपल्सन होता है तो रिपल्सन को मिनिमाइज कर लेता है इस सिंगल बॉन्ड के बॉर्ड रोटेट करते हैं, तो रिंग में जो पीछे जो आ रहा था अभी हम लोग देख रहे थे, इसके बॉर्ड कोई रोटेशन नहीं होता है, सिंगल बॉन्ड के बॉर्ड कोई रोटेशन रिंग में नहीं होता है, ऐसा बॉन्डिंग में पड़े हो गए। बट वही सिंगल बॉन्ड अगर ओपन चेन में है तो सिंगल बॉन्ड के बॉर्ड रोटेशन पॉसिबल होता है, ये रोटेट कर जाता है और जब ये रोटेट कर जाता है यहाँ पी ए सी डबल बॉन्ड और जब ये रोटेट करके जो दूसरा वाला सी डबल बॉन्ड वो है ये नीचे आ जाता है, तो यहाँ पे जो रिपल्सन लग रहा था दोनों केस में यहाँ पे ये रिपल्सन को मिनिमाइज कर लेता है इस केस में बाय रोटेटिंग 180 डिग्री, ये अगर सी डबल बॉन्ड वो है तो ये नीचे आ जाता है सी डबल बॉन्ड, तो ये रिपल्सन को मिनिमाइज कर लिया रोटेट करके ही। अब इसका दूसरा फॉर्म बनता ही नहीं है यहाँ पे, दूसरा फॉर्म अगर थोड़ा बहुत कुछ बनता भी है यहाँ पे है तो उसको हम इस तरीके से दिखा सकते हैं, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ
ये OH बन जाएगा और इधर डबल बॉन्ड हो, ये रिपल्सन का जो मिनिमाइज करता है रोटेट करके मिनिमाइज कर लेता है, और रोटेट करके ही आ गया तो ये ऑलमोस्ट 99% के आसपास कीटो फॉर्म में ही रह जाता है और ये 1% के आसपास इसमें आ पाता है। जबकि सेकेंड वाले केस में क्या था, रिंग में सिंगल बॉन्ड के बॉट को रोटेशन नहीं हो रहा था यहाँ पर, जब रोटेशन नहीं हो रहा था यहाँ पे इंट्रामोलर एच बॉन्डिंग भी काम करता है रिंग में, इस तरीके से हम लोग सोच पाएंगे यहाँ पे। तो ये दो केस था, ये तीन केस आज हम लोग देखें, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसका अलग अलग केस। बट इसके भी क्वेश्चन कर सकते हो, दो तीन क्वेश्चन टॉटोमर्स का नहीं होगा, बाकी क्वेश्चन टॉटोमर्स का कर पाओगे। तो दो तीन क्वेश्चन अगर नहीं हो रहा है तो छोड़ दोगे, बाकी एक्सरसाइज वन में सिर्फ टॉटोमर्स का एक सेक्शन बचा हुआ है उसको कर लेना है। टॉटोमर्स का कर लोगे या एक दो क्वेश्चन नहीं बन रहा तो उसको छोड़ देना, हमने इस क्लास में कुछ थोड़ी बचा हुआ है आधे घंटे का, कल के लेक्चर में उसको आधे घंटे का पढ़ के हम लोग खत्म करेंगे फिर वो सॉल्व हो पाएगा। तो होमवर्क तो एक्सरसाइज वन का जीओसी वन पहले का दिया हुआ वो कर लिए होंगे सब लोग, जीओसी वन का, सॉरी एक्सरसाइज टू की बात करें हम लोग। और जीओसी टू वाला जो पार्ट एक्सरसाइज टू का उसको भी करना है, वो तो पूरा कर सकते हो। और एक्सरसाइज थ्री, तो कल जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो एक्सरसाइज थ्री पहले करेंगे और एक्सरसाइज टू को बाद में करेंगे हम। आज जो जाकर के होमवर्क करोगे, एक्सरसाइज वन तो कंप्लीट ऑलमोस्ट हो ही चुका है, बस ऑटोमेशन का कुछ क्वेश्चन बाकी है, तो आज घर पे जाकर के एक्सरसाइज थ्री सॉल्व करोगे प्रॉपर। घर पे जाके क्या, क्लासरूम में तो नहीं, घर पे ही हो तो घर पे ही सॉल्व करना एक्सरसाइज थ्री। तो कल के क्लास में जब भी नेक्स्ट क्लास हो तो एक्सरसाइज थ्री पहले डिस्कस करेंगे और एक्सरसाइज टू पे बाद में आएंगे, क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, 15 से 20 मिनट में टॉपिक हो जाएगा। ये क्या होगा, तो पढ़ने के लिए बस 15-20 मिनट का टॉपिक है आज ही अगर पूरा हो जाता, बट थोड़ा सा पार्ट बच गया इसका, दो तीन केस और है। तो एक्सरसाइज थ्री और एक्सरसाइज टू करोगे, कर लिए नोट कर लिए, कुछ लोग नोट ही कर रहे थे अभी। या कुछ डाउट वगैरह है तो अभी पूछ सकते हो, मैं भी फ्री हूँ शायद, तुम लोगों का अभी कोई क्लास नहीं है, कोई थ्योरी में डाउट हो या कुछ और टाइप का डाउट हो। चलो ठीक है, फिर मैं सेशन को एंड करता हूँ यहीं पे, नोट तो कर चुके होंगे सब लोग।